रुक रुक के ना देख, रुक रुक के देख बिना ब्रेक। डाउनलोड टक ऐप। कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन को जमीन धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही उनको न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। दरअसल एसपी विधायक नाहिद हसन पर धोखाधड़ी कर जमीन बेचने का आरोप है। उन पर आरोप है कि उन्होंने 80 लाख रुपए लिए हैं। एसपी विधायक समेत 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। विधायक शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में जमानत के लिए पेश हुए। हालांकि जज ने जमानत याचिका रद्द कर दी और विधायक को जेल भेजने का आदेश दे दिया। नाहिद हसन जी को एक मुकदमे में जो मोहम्मद अली द्वारा कायम किया गया था उसमें जमानत की सुनवाई आज होनी थी। एक हफ्ता पहले अंतरिम जमानत दे दी गई थी उनको। आज वो सरेंडर किया उन्होंने और सरेंडर करने के बाद जमानत पर बहस हुई और न्यायालय द्वारा जमानत को निरस्त कर दिया गया। जबकि इस मुकदमे में नाहिद हसन पर FIR के अंदर कोई भी आरोप नहीं था, उनकी कोई विशेष भूमिका ही नहीं थी। मैं ये मानता हूँ कि रेगुलर जमानत होनी चाहिए थी, उनके साथ न्याय नहीं हुआ। तो आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी? आगे प्रक्रिया हाई कोर्ट में इसका अपील होगा और उम्मीद है बहुत जल्दी उनकी जमानत हो जाएगी। आपको बता दें कि विधायक नाहिद हसन 7 दिन से अंतरिम जमानत पर थे। अब कड़ी सुरक्षा के बीच नाहिद हसन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। नाहिद हसन को मुजफ्फरनगर जेल लाया गया। जनपद शामली के कैराना थाने में एक मुकदमा अपराध संख्या 35/18 दर्ज था, जो जमीन संबंधी धोखाधड़ी का मामला था। इसी प्रकरण में विधायक कैराना नाहिद हसन की अंतरिम जमानत की याचिका पर सुनवाई थी। आज माननीय न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यहाँ ये भी जान लीजिए कि नाहिद हसन पर कई आपराधिक मामले चल रहे हैं। पिछले साल शामली की विशेष अदालत नाहिद को भगोड़ा भी घोषित कर चुकी है। कैराना से शरद मलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।